हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नरवार। तो दोस्तों, रियलमी ने फाइनली अपने रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो की लाइव इमेजेस को रिवील कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि रियलमी ने इस बार अपने डिवाइस के कैमरा और डिजाइन को बिल्कुल चेंज कर दिया है। दोस्तों, ऐसा डिजाइन इससे पहले रियलमी के किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला था और इसी के साथ इस डिवाइस की बहुत सारी स्पेक्स सामने आ चुकी हैं। साथ ही इस डिवाइस की प्राइस और लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रियलमी 7 प्रो की कंफर्म स्पेक्स, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। बट आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इसके अंदर आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा जो कि ग्लॉसिक रेडियंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है और इसी के साथ आपको स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट का पैनल देखने को मिलेगा जहां पर आपको सिंगल पंचोल का डिजाइन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सुपर एमुलेट डिस्प्ले होने की वजह से आपको इस डिवाइस के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है और इस फोन के बैक और फ्रंट दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के कैमराज के बारे में। तो इसके अंदर आपको रियर साइड में स्क्वायर शेप के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का सेंसर यूज किया गया है और इसी के साथ एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक डेप्थ सेंसर एंड एक माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का एक पंचल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट किया गया है। दोस्तों, अगर वहीं पर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 65 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली है और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट एंड 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देखने को मिलेगा। यह चिपसेट बहुत ही दमदार चिपसेट है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ ही 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन 2 RAM वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। और इस फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि रियलमी UI 11 पर रन करेगा। तो दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको अप्रोक्स 20,000 की प्राइस में देखने को मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर सितंबर के मंथ में डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस स्मार्टफोन के अंदर 20,000 रुपए की प्राइसिंग में कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो प्लीज, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल, कीप सपोर्टिंग।